नवंबर। मैरी क्रिसमस टू ऑल। और आज हमें जाना है स्कूल, लेकिन टाइमिंग है 10 बजे का, तो इसलिए मैंने लगा ली है वॉशिंग मशीन और प्रिपरेशन चल रही है मेरे खाने की, बिकॉज ब्रेकफास्ट और जब मैं बोल रही हूँ तो चुप रहा कर, ये कुकर मुझसे चिढ़ता है जब भी मैं बोलती हूँ, बीच में बोलने लगता है, मुझे छेड़ता रहता है, सीटी मार रहा है देखो पीछे से शैतान कुकर। तो ना तो आज 10 बजे स्कूल पहुंचना है, मीन्स 9 बजे बस आ जाएगी। तो और वॉशिंग मशीन इतनी भर रही थी, ओवरफ्लो हो गई थी मशीन तो मेरी, तो इसलिए मैंने आज लगाए हैं सुबह सुबह उठकर ठंड में कपड़े, जिसमें तन्मय की ड्रेस और बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं धोने वाले, और साथ साथ खाना बना रही हूँ, क्योंकि शाम को आते आते ना 4 बज जाते, 3 बजे तो छुट्टी होती है, बट आते आते हमें 4 बज जाते हैं, और फिर आकर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कुछ करूँ, ये फिर मुझे छेड़ने जा रहा है, देखो 1 2 3 बेशर्म कुकर है, 4 थप्पड़ लगने के बाद ये चुप हुआ। जी आज काम तो सारा लगभग हो गया, कपड़े धुल गए सारे, बर्तन भी धुल गए, तो पैर दाल वाल बन गई है, बट नहीं बन पाया प्रॉपर नाश्ता, तो मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि ये हैवी होता है, दो दो भी खाएंगे बच्चे तो उनका पेट भर जाएगा। और दोपहर के लिए अभी तो मैंने चावल बनाने के लिए बता दिया है कि चावल तुम बनाओगे, और तन्मय आज मेरे साथ स्कूल में जाएगा, लेट आएगा आज के साथ, बिकॉज आज उसकी शाखा में भी कार्यक्रम है, आज तुलसी दिवस है, तो आज वो अपनी शाखा के साथ जाएगा, और 9 बज गए, 9:30 बस आ जाएगी, और मैं अभी तक खाना ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने अंश को बता दिया कि उठ मेरी हेल्प कर, उठ मेरी हेल्प कर। चलिए बाद में बताते हैं। जी शाम के बज गए हैं 4:15, और मैं तो स्कूल से आ गई क्योंकि मुझे ये ले आया अपने साथ, और आधे आ रहा है बस से, और हम तन्मय को लेने के लिए जा रहे हैं स्टॉप पर, दोनों जने खुश हो जाएगा हम दोनों को देख कर, बस बस पहुंचने ही वाली है, कोई कोई मिनट जा रहा है। चलिए देखते हैं, आता है देख कर खुश हो जाएगा कि हम लोग उसे लेने के लिए आए हुए हैं। आ गई बस, और मैं आई हूँ तन्मय को लेने के लिए, अभी देखते हैं इसका ये रिएक्शन। एक चीज कहूं, ठंड में नाक जम गई मेरी, मेरी ज्यादा जमी बड़ी, आप मेरी बात सुनो पहले, बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई, ना आपके लिए कुछ लाया है। मेरे लिए? हाँ। क्या लाइयो? अंश भाई प्लीज कम आउट, ओ जैकेट, अरे वाह बढ़िया, नाइस, कहाँ से लाया? अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। आपको पसंद आ गया? नहीं नहीं पसंद आ गई, गरम है और क्या चाहिए, साड़ी के ऊपर पहन के जाऊंगी, सूट पर भी पहन सकते हैं, है ना, बहुत सुंदर, बहुत तो तेरे को भी तो दिया है। मेरे को भी तो दिया है, देखो भाई ने बोला था बिल्कुल मत बताना। अच्छा इसने अपने लिए भी लिया क्या? अपने लिए भी लाया? मुझे नहीं पता मम्मी, लग रहा है मुझे, लक्षण लग रहा है इसके। ओ वाह कैसी लगी? बहुत अच्छी लग रही, थैंक यू तुम्हारे, मेरे लिए गई। बच्चे बड़े हो गए मेरे बच्चे, और ये देखिए, ओ माय गॉड अपने लिए भी ले लिया है, सुंदर लिया है, अच्छी लग रही है, कलर वलर सब बहुत बढ़िया, नाइस, दिखा पीछे से दिखा, पूरा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो अंश भाई, बस मैं भी पहन कर आती हूँ, हम दोनों तीनों पहन कर, तीनों एक साथ सेल्फी में, मैं भी आती हूँ पहन कर अभी। हो अच्छी लग रही है, आया पता नहीं अंदर से गरम गीला क्यों हो रहा है? नहीं गीला नहीं है, गीला है, पापा ने पहन के दिखाया, अच्छी लग रही, अच्छी लगी सबकी, हाँ
बहुत अच्छी है। चलो मम्मी पहन के आती है, वो दिखाती है। अरे मैं आ जाओ। अरे हाय, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? मस्त, बिल्कुल। अच्छी लग रही है। यही पहन लेना। ठीक है। हाँ, तो आज मैं स्कूल से सीधा अपनी नई जैकेट पहनकर अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। फ्रेंड कहूँ, बहन कहूँ, क्या कहूँ, हम बहुत ही पुराने फ्रेंड हैं। जब मैंने स्कूल में जॉब शुरू किया था तो वन्या और मेरी वहीं पर ही फ्रेंडशिप हुई थी, और तब वन्या की बेटी आशी बहुत छोटी थी, और तब से मतलब वो हमारा रिलेशन बन गया, फ्रेंड्स का कह लीजिए, सिस्टर का कह लीजिए। और हम घर, हमारे घर आगे पीछे है, मीन्स अगले वाले पार्क में मेरा घर है, पिछले पार्क में वन्या का घर है, बट इससे मिलते मिले हुए मुझे महीनों हो जाते हैं, कभी कभी सालों हो जाते हैं। कोरोना में तो हम 2 साल नहीं मिले थे एक दूसरे से, और अब कई दिन से मेरा भी मन हो रहा था वन्या से मिलने का, और कल इत्तेफाक से इसका फ़ोन भी आ गया, तो आज मैं सीधा डायरेक्ट इससे मिलने के लिए इसी के घर आ गई हूँ। तो कह रही है तू मुझे अपने ब्लॉग में लेगी ना, जरा अच्छी तरह से लेना। ये तो मिली है मेरी फ्रेंड वन्या से। मेरे सारे फ्रेंड्स वैसे जानते हैं, मेरी दीदी, घर के सब लोग, सबको पता है कि मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही। कितने साल हो गए वन्या हमारी फ्रेंडशिप को? बहुत टाइम हो गया है ना, बुढ़े हो गए हम लोग, जवानी में हुई थी फ्रेंडशिप। 20 ईयर्स तो हो गए। 20 साल हो गए है ना। हाँ नहीं, ज्यादा हो गए वन्या। 26 ईयर तो मेरी शादी को हो गए। 2 साल बाद मैंने जॉब शुरू करी थी, तो दो जिस स्कूल में मैंने जॉब शुरू करी थी वहां पर वन्या से मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, तो फिर तो काफी टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया है ना, 25 साल हमारी फ्रेंडशिप को हो गए। इतनी पुरानी है हमारी दोस्ती, और हम चाहे महीनों बाद मिले, चाहे हम सालों बाद मिले, हम गिले शिकवे नहीं करते, क्योंकि इसको मेरी प्रॉब्लम्स पता है, मुझे इसकी पता है, टाइम्स का सब कुछ पता है। हाँ, जब इसकी बेटी प्री नर्सरी में थी, आशी प्री नर्सरी में थी तब, है ना, और अब क्या कर रही है पूछती हूँ मैं इसे, अब क्या कर रही है आशी? BDS 4th ईयर। डेंटिस्ट बनने वाली है हमारी लड़की। जितनी मेरी दर्द तकलीफें होनी है, पता है आप लोग सोचोगे ना कितने व्लॉग में मैं बताती रहती हूँ आपको, मैं इसलिए इसका इलाज नहीं करा रही कि आशी तो बनने वाली है डेंटिस्ट, डिग्री मिलने वाली है, आराम से घर पर फ्री में ही उससे सारा काम करवाऊंगी। अच्छा, खाना हाँ। मैं स्कूल से सीधा ही आ गई तो इसे पता चला, तो इसने पहले तो मुझे चाय पिलाई, चाय के संग इसने मुझे अच्छा खासा नाश्ता दिया, और अब मेरे लिए ना फ्राइड राइस लाई है कि ना तू खा ले कंचन, तू कमजोर हो रही। बहुत कमजोर हो गई, बहुत टाइम बाद देखी हूँ इसे, बहुत कमजोर हो रही है। पहले स्कूल जाते थे तो रोज का हमारा मिलना होता था, अब तो सालों हो गए। एक वन्या ने रिटायरमेंट ले लिया, आराम कर रही है घर पर, और मोटी हो रही है। मोटी हो रही है, तो बताओ मैं क्या हो रही हूँ। तो बहुत अच्छा मिला था वन्या आज तेरे से मिलकर, इतनी देर हो गई, हमें बातें भी करी, हमने मिले भी, रोए भी, हंसे भी, ये हमारा जरूर काम होते हैं। अभी, दो चार और अभी मिड है, मिड इसके बाद भी बात करनी है। हाँ, अभी बीच में ब्रेक मिला है थोड़ा सा, और उसके बाद अभी हमारी और बातें चलेंगी, आज तो लंबी बातें चलेगी, घर देखा जाएगा कब पहुँचते हैं आराम से। तो आज का दिन बीता बहुत अच्छा, बच्चों ने मेरे लिए जैकेट खरीदी, और आज मैं बहुत महीनों बाद अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई वन्या से, और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और मुझे आते आते वहाँ से 6:30 हो गए। अंश पहले ही कह रहा था आप 1 घंटे के लिए नहीं जा रही हो, आप मौसी के घर जब भी जाती हो मौसी के घर, तो 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए, फिर भी आज 2-2.5 घंटे तो नहीं, बट हाँ लेट हो ही गई थी मैं, और बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। और जैसे मुझे अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।